हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से खास बातचीत की है, कई मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। अग्निहोत्री जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर दिल्ली पहुंचे हैं, हालाकमान से मुलाकात हो गई, तो अब लगता है अब जो कांग्रेस का सपना देखा था इन्होंने मजबूत होकर दोबारा सरकार में बनेगी हिमाचल में, वो अब डिस्कस हो गया, वो सपना पूरा हो गया। देखिए पिछले 5 साल से संघर्ष चल रहा था कि रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात पे बजीद थी कि हम रिवाज बदलेंगे, और हमने भी ठान रखा था कि राज बदलेगा और ताज बदलेगा। तो आपने देखा अंततः राज बदल गया, सरकार बन गई। अब जिन लोगों ने सरकार बनाने में हमारा सहयोग किया, जिन जिन लोगों ने जिस हाई कमांड ने हमें टिकटें दी और हम यहाँ तक पहुँचे हैं और सरकार बना, आज हम उनका धन्यवाद करने आए हैं दिल की गहराइयों से। सारे 40 MLA आए हैं, चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों आए हैं, हम धन्यवाद करते हैं अपनी हाई कमांड का। और इसके बाद जो शुरुआती डिस्कशंस हैं, जो आपको कहते हैं टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं शुरुआत में, अब वैसे कोई साज सजिंदा भी, कोई गायक भी आता है पहले, सबसे पहले अपने साज सेट करता है, उसी ढंग से सरकार आती है वो भी अपने सारा सिस्टम सेट करती है। तो हाईकमांड के मार्गदर्शन में वो सारा काम शुरू हो रहा है, और फर्स्ट कैबिनेट होनी है, सेशन होना है, क्योंकि सदस्यों ने शपथ ग्रहण करना है, तो शपथ ग्रहण की तैयारी करनी है। फिर फर्स्ट कैबिनेट में हमने कुछ वायदे कर रखे हैं जो हम फर्स्ट कैबिनेट में करेंगे, वो भी हमें करने हैं, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। हम आभारी हैं हमारी श्री खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी के, श्री राहुल गांधी जी के, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के। खासतौर पे प्रियंका गांधी जी ने तो वहाँ पे प्रचार किया, डट के प्रचार किया और रैलियाँ की, और एक नैरेटिव क्रिएट किया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये काम होंगे, ये वायदे होंगे, तो इसलिए सबका धन्यवाद करने आए। और दूसरा, राहुल जी की यात्रा में हम जा रहे हैं सारे MLAs, क्योंकि चुनाव की वजह से हम नहीं जा पाए। राहुल जी देश से नफरत को मिटाने के लिए, खौफ को मिटाने के लिए, डर को मिटाने के लिए एक यात्रा चलाए हुए हैं, जिसको कि ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरे देश में, उसमें हम भी शामिल होंगे, तो उसकी कल डिस्कशंस हैं, फिर हम सब लोग जाएंगे उनके साथ, यात्रा करेंगे, और कल यहाँ पे इकट्ठे होके एक बार हम शुक्ला जी से मिलेंगे। खासतौर पे शुक्ला जी के हम आभारी हैं जिन्होंने पूरा इलेक्शन प्लान किया, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, बहुत समय दिया, बहुत समय के साथ जो है मार्गदर्शन किया, जो जो भी इस चुनाव में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, दिल्ली आके हम उनका आभार जताते हैं। कैबिनेट कब तक डिसाइड हो जाएगी सर? देखिए कैबिनेट से पहले जो है हमें अपने सदस्यों की शपथ करवानी है, तो अभी MLAs की शपथ नहीं हुई है, अब पहले सेशन होगा, उसमें शपथ होगी, और सेशन को डिसाइड करने के लिए कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो अभी जाते ही जैसा कि आदेश दिए गए हैं हाईकमांड के द्वारा कि जाके कैबिनेट की मीटिंग करो और सेशन डिसाइड करो, और जो वायदे किए हैं फर्स्ट कैबिनेट के उनको जो है पूरा करो। तो ये तो अभी शुरुआत है, इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। सर परिवहन विभाग, परिवहन आपको मिला है डिपार्टमेंट, कहीं आए हमने देखा ढोल नगाड़े बजे, तो कहीं विपक्ष बोल रहा है कि आप बताइए कैसे, आप बोल रहे कर्जे से उतारेंगे, आप बोले थे बहुत कर्जे में परिवहन। देखिए जो लोग दिवालिया निकाल गए प्रदेश के आर्थिकी का, जिन्होंने जो है 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया अपने टेन्योर में, उनको हमसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। जो लोग कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार है, और हमारे हम दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है, हम जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने नहीं देंगे,
और ये फिर ये भी कहते थे अगर सरकार बनी तो मुकेश अग्निहोत्री को विधानसभा की चौखट पार नहीं करने देंगे। तो हमने सरकार भी बना दी, मुकेश अग्निहोत्री भी उसका हिस्सा है। तो अब तो सिर्फ परफॉर्म करने का टाइम है, हम विकास की तरफ देख रहे हैं, कल्याण की तरफ देख रहे हैं, गरीब की सेवा के एजेंडे की तरफ देख रहे हैं। विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभानी है, हमें इस पे कोई ऐतराज नहीं है। बात करने के लिए तो ये थे मुकेश अग्निहोत्री। इनका कहना है कि हम पहले विधायकों को शपथ दिलाएंगे, फिर कैबिनेट का डिसाइड होगा और जो वादे किए हैं वो पूरे करने हैं। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH News।